दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग फुल एचडी में क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त आखिर रिएक्शन क्या होता है। तो ये मेरा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है तो वह हमारा रिएक्शन कहलाता है। जिस तरह मौसम बदल जाता है, उसी तरह जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है तो उसको रिएक्शन कहते हैं। अब आता है दोस्त रिडक्शन क्या है। तो रिडक्शन का मतलब हो गया हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, रिडक्शन कहलाता है। और रिडक्शन किसका कराएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो अब हमारा दोस्त क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन का लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज हमारा दोस्त, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन इज रिएक्टेड विथ जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। तो जिंक अमलगम का फॉर्मूला हो गया ZnHg इन द प्रेजेंस ऑफ कोका HCl देन इट इज रिड्यूस्ड टू एल्केन। जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन जिंक अमलगम के साथ करते हैं, कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में, तब एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्केन बनता है। अब देखिए दोस्त जिंक अमलगम, तो देखिए दोस्त मिक्सचर ऑफ मेटल को एलॉय बोलते हैं। दो से अधिक जिस कंपाउंड के पास मेटल हो वह हमारा एलॉय कहलाता है। एलॉय का मतलब मिश्र धातु होता है। तब देखिए दोस्त अगर दो मेटल में से एक मेटल अगर फिक्स हो मर्क्यूरी के रूप में और अगर मर्क्यूरी के साथ जिंक रखा हो तो इसको जिंक अमलगम कहते हैं। अगर मर्क्यूरी मेटल के साथ पोटेशियम का मेटल रखा हो तो ये हमारा पोटेशियम अमलगम कहलाता है, पोटेशियम अमलगम। अगर मर्क्यूरी मेटल के साथ सोडियम का मेटल रखा हो तो यह हमारा सोडियम अमलगम कहलाता है। तो फिलहाल हम लोग दोस्त आज जिंक अमलगम लेंगे और जिंक अमलगम का काम है कंप्लीट रिडक्शन करवाना। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब होता है चार हाइड्रोजन को जोड़ना। तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन को पूरा करने का दोस्त मेरे पास एक हॉट ट्रिक है। तो ट्रिक है हमारा दोस्त रिमूवल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड एड मेथाइलिन ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप को हटाओ और मिथाइलिन ग्रुप को लगाओ। देखिए दोस्त ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया। कार्बोनिल ग्रुप को हटा दिए और उसके बदले में
मिथाइलिन ग्रुप को लाएं तो CH2 का नाम है दोस्त मिथाइलिन ग्रुप, और ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट कहते हैं, उसी तरह एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अब मिथाइलिन ग्रुप कहां से आया, तो मिथाइलिन ग्रुप दोस्त मीथेन से आया। मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4। अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये बन गया मेरा मिथाइल, और फिर मिथाइल से अगर एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ये बन गया मेरा मिथाइलिन ग्रुप। तो देखिए दोस्त क्लेमेंसन रिडक्शन में रिएक्शन में सबस्ट्रेट के रूप में एल्डिहाइड को लेते हैं, तो दो कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। ये हो गया हमारा दोस्त CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिट बोलते हैं, और फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड लिख दिए, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसिटल डिहाइड, और एसिटल डिहाइड का रिडक्शन करवाना है तो 4 मोल ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन ली, और रिडक्शन करवाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट हमारा दोस्त जिंक का मलगम है, और कोका HCl के प्रेजेंस में करवाते हैं। कोका HCl का मतलब ये दोस्त कंसंट्रेटेड HCl, और कंसंट्रेटेड का मतलब ये कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा ज्यादा और पानी का मात्रा कम हो तो उसको कंसंट्रेटेड HCl कहते हैं। अब देखिए दोस्त सबस्ट्रेट से कार्बोनिल ग्रुप को हटाओ, हटा दिए, और कार्बोनिल ग्रुप के जगह पर मिथाइलिन ग्रुप को लगाओ, तो ये हो गया हमारा दोस्त मिथाइलिन ग्रुप। अब यहां पर सिंगल बॉन्ड और एच था तो सिंगल बॉन्ड और एच लिख दिए, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था तो यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा दिए। अब देखिए दोस्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बन गया, तो इसी कंपाउंड को हम लोग लिख सकते हैं दोस्त CH3 था तो CH3 लिख दिए, और CH2 में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये बन गया मेरा CH3। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ हो गया, और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए, तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया इथेन, और ये हमारा दोस्त नेसेंट हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन। तो ताजा ताजी बनाया गया हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। जिंक अमलगम का दोस्त कंप्लीट रिडक्शन करवाना, जब कभी भी जिंक अमलगम आपको दिखाई दे तो हमेशा मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्केनी बनेगा। तो जब एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं जिंक अमलगम के साथ कोका HCl की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन को याद करने का दोस्त एक ट्रिक है कि जब क्लेमेंसन बोलता है कि जानू दूर हटो, कल जानू बोलती दूर हटो हिमांशु जी कोका HCl को लाए हो, तो हमेशा अल्केन बनाओगे। दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे
सबस्ट्रेट के रूप में एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया बेंजल डिहाइड, और बेंजल डिहाइड का रिडक्शन करवाना है। तो रिडक्शन करवाना का मतलब क्या, हाइड्रोजन को जोड़ना, और रिडक्शन करवाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट हमारा जिंक अमलगम है, कोका HCl की उपस्थिति में करवाता है। तो सबस्ट्रेट से कार्बोनिल ग्रुप को हटाओ और मिथाइलिन ग्रुप को लगाओ। ये हो गया हमारे दोस्त मिथाइलिन ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप को हटाएं और बदले में मिथाइलिन ग्रुप को लगाएं। अब देखिए कार्बोनिल ग्रुप से बेंजीन का रिंग जुड़ा हुआ था, तो मिथाइलिन ग्रुप से बेंजीन के रिंग को जोड़ दी, और कार्बोनिल ग्रुप के पास एक हाइड्रोजन था, तो मिथाइलिन ग्रुप के पास एक हाइड्रोजन दे दी। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है, तो ये बन गया वाटर। देखिए दोस्त, इसी कंपाउंड को हम लोग लिख सकते हैं, बेंजीन का रिंग था तो बेंजीन लिख दिए, और CH2 में हाइड्रोजन जोड़ दिए तो बन गया CH3। तो जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप, तो इसको टॉलविन कहते हैं। तो जब बेंजल डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं जिंक अमलगम के साथ कोका HCl के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में टॉलविन बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दो, सबस्ट्रेट के रूप में 3 कार्बन का कीटोन ले रहे हैं, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन कहते हैं, और एसीटोन का रिडक्शन करवा रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जिंक अमलगम ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा जिंक अमलगम, और कोका HCl की उपस्थिति में। तो सबस्ट्रेट से कार्बोनिल ग्रुप को हटाओ और मिथाइलिन ग्रुप को लगाओ। तो कार्बोनिल ग्रुप के पास 2 मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइलिन ग्रुप के पास भी 2 मिथाइल ग्रुप बना दिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बन गया। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन। तो जब एसीटोन का रिडक्शन करवाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जिंक अमलगम को लेने पर, और कोका HCl के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। तो अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे, सबस्ट्रेट के रूप में कीटोन ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा दोस्त कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों खाली बॉन्ड में से
एक खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में बेंजीन का रिंग लगा हुआ है। तो इस कंपाउंड का फेमस नाम हो गया एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। ऐसी कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाता है दोस्त मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो जब एसीटोफिनोन का रिडक्शन करवाते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जिंक अमलगम को लेने पर कोका HCl के प्रेजेंस में तो सबस्ट्रेट से कार्बोनिल ग्रुप को हटाओ और मिथाइलिन ग्रुप को लगाओ। ये हो गया हमारा मिथाइलिन ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप के एक खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो मिथाइलिन ग्रुप के खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप को लगा दिए। कार्बोनिल ग्रुप के दूसरा खाली बॉन्ड में बेंजीन का रिंग लगा हुआ है तो मिथाइलिन ग्रुप के खाली बॉन्ड में बेंजीन का रिंग लगा दी। तो ये हो गया हमारा इथाइल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है। तो जब एसीटोफिनोन का रिडक्शन करवाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जिंक अमलगम को लेने पर और कोका HCl के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल बेंजीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल HD में क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन खत्म हुआ। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।